एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, जैसे कि नहा धो के सारे काम ख़त्म करके और मैं बनाने लगी हूँ लंच। और लंच में मैं बना रही हूँ भिंडी। चलो फिर बनाते हैं। वाह 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 वाह। सबसे मुश्किल काम हमारा सबसे पहले प्याज को काटना, छीलना। मुझे सबसे गंदा काम लगता है यार, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे गंदा काम लगता है, क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। और मैं जब भी नहा के आती हूँ उसी टाइम ही ऐसे होता है, तो आईज काफ़ी ज़्यादा पेन करने लग जाती हैं। क्या करूँ मैं इस दिल का, क्या करूँ हाँ क्या करूँ हाँ क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ उधर का मैं क्या करूँ, मेरा फोन गिर गया मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। गरम ही था तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। इसमें दो टमाटर डालूंगी, जैसे कि मैंने प्याज डाल दी, मैं डालूंगी टमाटर। तो मैं खाना खा के मैच देख रही थी, आज पाकिस्तान जीत गई और मुझे लग रहा है कि कल इंडिया जीत जाएगी। कल इंडिया का मैच है और मुझे लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी और पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है मैच। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो मैच देखने के लिए जो संडे को होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि कल मैंने लेंस लगाए थे, उसकी वजह से मेरी आईज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सो गई थी थोड़ी देर, उसके बाद मैं अब उठी हूँ और अभी भी आईज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो अभी मैं जाऊंगी भी अपनी दवाई लेने। और मैं अभी डिनर बना रही हूँ और डिनर में मैं बना रही हूँ ब्राउन वाली दाल, काले मसर जो ब्राउन कलर की होती है, ऐसे थोड़ी सी हल्की हल्की ब्राउन और ब्लैक उसको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे काले मसर बोलते हैं, तो वो बना रही हूँ मैं। और अभी मेरा पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन चल ही नहीं रहा था, मेरा कैमरा ही नहीं ऑन हो रहा था, बहुत ही मुश्किल से अब जाके हुआ। मैंने 4 बार स्विच ऑफ करा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो फाइनली चलो अब हो गया है, तो मैंने ये कर दिए गिरे मेरे टमाटर मिर्च में, ये ज़रूर दिखाती हूँ पता नहीं क्यों। तो ये हो जाए बस फटाफट से। दाल मैंने रख दी थी वो हो गई है, लाल मिर्च नमक डाल दिया था मैंने, धनिया पाउडर, लिटिल बिट हल्दी, दाल मेरी बन चुकी है। तो मेरा डिनर बन चुका है और अभी ये बस आने वाले हैं और हम जाएंगे थोड़ा सा सामान खरीदने, तो मॉल जाना है। तो अभी मैं थोड़ा सा फटाफट से रेडी होने वाली हूँ, तो मैं फटाफट से पहले अपना लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। पता नहीं मैं ये क्यों उठा रही हूँ, मेरे पास और भी हैं पर मुझको यही पसंद है, पता नहीं क्यों खाली सा, पर निकल ही आता है तब भी थोड़ा बहुत। इतनी तबीयत खराब लगी है, मैं सोचा था कपड़े चेंज करूँगी बट अब मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का, बस दिल कर रहा है ऐसी बस थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। जब आपकी तबीयत ठीक ना हो ना तो अब कुछ मन नहीं करता, बस मन करता है सोई रहो सोई रहो सोई रहो, यही हाल अभी मेरा हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ क्योंकि आँखें बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं, इसीलिए क्या मुझे लगाना कहाँ था, अब बस जल्दबाजी में यही होता है, ऐसे ही मेकअप करते हैं हम जल्दबाजी में। कॉम्पैक्ट लूंगी थोड़ा सा, आंखों पे अच्छे से थोड़ा सा इधर भी।
सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरा ब्लशर, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। मैं मतलब घर पे भी रहूँ ना, मेरे को तब भी ब्लशर लगाना बहुत अच्छा लगता है। लिपस्टिक में लगाऊंगी रेड कलर की। बात ही ख़त्म हो गया मेरा मेकअप, बस बाल भी मेरे सेट लग रहे हैं क्योंकि मैंने कल प्रेसिंग करी थी बालों में, तो वो अभी तक एकदम ठीक लग रहे हैं और बाल मेरे को खुले छटते हैं। कोई स्टाइल बनाना मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे आता है। फिर मैं सोच रही हूँ अभी कि मैं यहाँ पर अपने क्यूट से ना ऐसे करके क्लिप लगाऊँ, पर पता नहीं वो अच्छे लगे ना लगे, इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आ रही। ऐसे भी ठीक लग रहे हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं कुछ इस तरह से लग रही हूँ। मतलब ऐसे घर के कपड़ों में भी मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आती। और बस मैंने शूज़ पहने और पर्स ले लिया है कि थोड़ा सा अच्छा लगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल लग रही हूँ और काफ़ी स्टाइलिश लग रही हूँ। और बस बाल भी ऐसे कर लिए हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। और ये भी आ चुके हैं, बस अब हम निकलने वाले हैं। खाली हो चुके हैं और हम यहाँ पर दोनों अकेले बस मस्त में घूम रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझको, मेरा दिल कर रहा है शू ऐसे भागू। ओए ब्रेक भी नहीं लगी। चलो 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 चलो, हम यहाँ पर अकेले। चोरी कर ले क्या कुछ? हम चोरी कर ले क्या कुछ? हम चोरी नहीं कर सकते, हम चोर नहीं बन सकते क्या? सो सैड। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं पे रह जाऊँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे घूमने में, ऐसे 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 क्या बोल रहे हैं यार ये। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रही मुझे तो। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या क्या उठा के लेके आ गए हो। तो हम घर आ चुके हैं और अब हम खाने लगे हैं खाना। और मैंने बनाया दाल चावल जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी है। और रोटी पानी तो हमारा हो चुका है तो अब मैं खाने लगी हूँ। खट्टा मीठा सा अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, मेरे बालों को इस टाइम इग्नोर मारो, मेरी सुबह तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी और अब थोड़ी ठीक लग रही है क्योंकि जब मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, थोड़ी सी सामान खरीद लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने जैसे कि सामान खरीदा तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक ठीक सी फील हो रही है। पर अब मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ और मैं लगी हूँ सोने। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कर चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय एवरीवन।